हाथ आगे बढ़ाइए युवराज। छोटी माँ, आप इस हवेली को श्राप से बचाने के लिए दिन रात पूजा करती हैं, लेकिन महाराज खुद उस श्राप को लेके घर पे चले आए। माँ, ये खुशबू कैसी? अपनी होने वाली माँ की खुशबू पहचान ही ली ना आपने? युवराज गगनदीप, वैसे हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए। कैसी लगी गिफ्ट? थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट मीरा जी। यू वेलकम। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप हमारे पिताजी महाराज हर्षवर्धन की होने वाली छठी बीवी जरूर होंगी, लेकिन हमारी होने वाली माँ नहीं है। यह हवेली जिस जगह आप खड़ी हैं, ये हमारी माँ है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और बेटा चाहे अंधा ही क्यों ना हो, माँ के आंचल में चलने फिरने के लिए उसे किसी छड़ी या फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। Got it? माँ का आंचल, how sweet। लेकिन वो क्या है ना, आपके पिता यानी कि महाराज शादी के बाद आपके इस माँ के आंचल को ना मेरे हाथों में सौंपने वाले, इसलिए तो हमने ये गिफ्ट दिया आपको। हाँ, और एक सलाह भी, आप ना आज से ही इसके सहारे चलने की आदत डाल दीजिए। थैंक यू आपकी सलाह के लिए मीरा जी। यू वेलकम। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जैसे आप हमारे लिए ये छड़ी गिफ्ट में लेके आई हैं, हम भी आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट लेके आए। रियली? भीम सिंह, जी मालिक। खोलो इसे। कफन? जी हाँ, कफन। मीरा जी, आप शायद इस हवेली के इतिहास को नहीं जानती हैं। आपको लग रहा है कि आप महारानी बनकर यहां आएंगी और राज करेंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तस्वीरें देख रही है मीरा जी, ये महाराज की पिछली 5 बीवियों की तस्वीरें हैं, जिनकी जान इस हवेली के श्राप ने ले ली। हट! महाराज, ये इस गरीब किसान का श्राप है आपको। जैसे हम गरीब किसानों के घर तोड़े गए, वैसे ही आपकी हवेली आपके खानदान के खून से भर जाएगी। एक के बाद एक लाशें गिरेंगी महाराज, इतनी लाशें गिरेंगी कि आप गिनती तक भूल जाएंगे महाराज। याद रखिएगा महाराज, ये इस गरीब किसान का शराब है आपको। पकड़ लो उसे। और अब महाराज छठी तस्वीर के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लीजिए, हूँ मीठा कीजिए। गुड डे। आप ये शायद भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। I'm sorry, लेकिन मैं अब यहाँ इस हवेली में नहीं रह सकती, मैं वापस मुंबई जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मोहन को बुलाओ। जो हुक्म मालिक,
दो तीन दिन में ही इस हवेली की अच्छी डील करके बिकवा दूंगा और साथ में लंदन में आपके लिए नई प्रॉपर्टी का इंतजाम भी कर दूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी नमस्ते। अब तो आपका इस शराब से डर खत्म हुआ ना? लव यू महाराज जी। लव यू टू। इस हवेली का नमक खाया तूने, इसको बेचने चलाया तू। याद रख, अगर हवेली बिकी तो तुझे अपने लोहे की पट्टी में डाल के सुलगा दूंगा। मीरा आपकी होने वाली माँ है, उनका नाम जरा इज्जत से लीजिए। पिछले 25 सालों में हमारी एक छठवीं माँ है महाराज। ताने मारना एक युवराज को शोभा नहीं देता। आखिर हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना गगनदीप, कि आपको अपनी माँ की कमी ना महसूस हो पाए। और ये हवेली? ये हवेली भी आप हमारे लिए ही बेच रहे होंगे ना महाराज? आपको पिता से ज्यादा महाराज बोलने में हमें शर्म आती है। अपने बेटे की भी कम उम्र की लड़की से शादी करने के लिए आप इतने उतावले हो गए कि आप हमें अपने ही घर से बेघर करने के लिए तैयार हो गए। खामोश युवराज, हमें और गुस्सा मत दिलाइए। आप हमारे बेटे हैं, इसलिए हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आज भी ये नहीं भूले कि आप जन्म लेते ही अपनी माँ, हमारी महारानी की जान ले ली थी। बस प्लीज़ आप न्यूज़ ऑन कीजिए ना जल्दी। हिमाचल के केस के बारे में मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि जब तक आप सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ श्योर नहीं हो जाते आप ये केस नहीं लोगे। सो प्लीज़ जस्ट वॉच द न्यूज़, मैं बाकी डिटेल्स कलेक्ट करके ऑफिस आ जाऊँगी। थैंक यू सर। यूँ तो हमारे देश में कहा जाता है कि विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, अपने ही पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन देखिए, इस नकचरे युवराज के कर्म जायदाद के लालच में आकर अपने पिता महाराजा हर्षवर्धन की हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। इस हवेली पे किसी भयानक श्राप का साया है। क्या वो श्राप था या जायदाद का लालच जिसने युवराज को अपने पिता पे छह गोलियां चलाने पे मजबूर कर दिया? सर न्यूज देखी आपने? आई डोंट नो व्हाट टू टेल। एक भी नहीं लगा। So you're happy? You never miss a shot. आज मिस करके भी स्माइल कर रहे हो। हम ये केस लड़ रहे हैं अधीरा। स्वेटर है ना तुम्हारे पास? जी है। ले लो साथ में। We are going to Himachal. So? Your Honor, prosecution का केस केवल इस तथ्य पर आधारित है कि युवराज गगनदीप उसी कक्ष में पाए गए जिस कक्ष में महाराज जी की हत्या हुई। यहां
यहाँ योर ऑनर सोचने वाली बात यह है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति एक नहीं छह छह गोलियां सही निशाने पर कैसे दाग सकता है। ये केवल कठिन ही नहीं योर ऑनर असंभव है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए मैं अदालत में एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। Whenever you're ready. Your Honor, ये मिस्टर नायक है, भारत के विख्यात शूटर। ये 200 फीट की दूरी से भी अचूक निशाना लगा लेते हैं। और यहाँ योर ऑनर जैसा कि आपने देखा 15-20 फीट की दूरी से भी इनका निशाना चूक गया। उसके पीछे कारण ये है कि सही निशाना लगाने के लिए निशाना दिखाई देना बहुत आवश्यक है। मेरे मुवक्किल युवराज गगनदीप जन्म से नेत्रहीन है। मेरा प्रश्न यही है योर ऑनर कि एक नेत्रहीन व्यक्ति 6-6 गोलियां अपने सही निशाने पर कैसे दाग सकता है। तो नेत्रहीन होने की सिंपति में छोड़ दें उसे। अदालत की नजर में जुर्म सिर्फ जुर्म होता है और मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है। आदरणीय केडी साहब, और जहां तक एक नेत्रहीन का 6 बार सही जगह निशाना लगाने का सवाल है तो उसका जवाब है मेरे पास। योर ऑनर, मैं कोर्ट को एक वीडियो क्लिपिंग दिखाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ केडी साहब? आपके क्लाइंट ने नहीं बताया था आपको? नहीं बताया होगा। ये राजा लोग होते ही ऐसे हैं, मन किया तो बता दिया, नहीं मन किया तो नहीं बताया। योर ऑनर, मैंने अभी तक सुना था कि जो नेत्रहीन होते हैं उनकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज काम करती हैं, और आज मैंने देख भी लिया, गगनदीप सिर्फ बंदूक पकड़ना ही नहीं, बहुत अच्छे शार्प शूटर हैं, जो आवाज सुन के निशाना लगा देते हैं। योर ऑनर, इनके गोली चलाने की काबिलियत तो प्रोसिक्यूशन साबित कर ही चुकी है, और जहां तक क्राइम सीन का सवाल है तो ये रहे फॉरेंसिक रिपोर्ट। इनके मुताबिक जिन गोलियों ने महाराज हर्षवर्धन का खून किया वो इस बंदूक से चलाई गई जो मौकाए वारदात पे गगनदीप के हाथ में मिली। इस बंदूक में इनके फिंगरप्रिंट्स और गन पाउडर के ट्रेसेस भी मैच करते हैं। योर ऑनर, इस केस में कोई गुंजाइश नहीं है। ये पानी की तरह साफ है कि गगनदीप ने अपने पिता हर्षवर्धन का खून किया है। योर ऑनर, डिफेंस अदालत से निवेदन करता है कि इस पहलू की छानबीन करने के लिए समय दिया जाए। अदालत आपको 1 दिन का मौका देती है। कल तक अगर डिफेंस ने कोई दलील नहीं पेश की तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपको इतनी बड़ी बात मुझसे छिपानी नहीं चाहिए थी। केडी सर, एक बात बताइए, अगर हम आपको अपने निशानेबाज होने की बात बता देते तो क्या आप हमारा केस लेते? और जहां तक आपको हमारे निर्दोष होने का सबूत चाहिए तो ये देखिए, ये है सबूत। जिस बंदूक से महाराज का खून हुआ ठीक वैसी ही एक और बंदूक हमारे स्टडी रूम में मौजूद है। उसे बिल्कुल ठीक वैसी ही गोलियां निकलती हैं। आप उस स्टडी रूम में जाइए और उस बंदूक को जरा चला के देखिए, आपको हमारे निर्दोष होने का सबूत मिल जाएगा। सर, कैन वी प्लीज स्टॉप दिस? आप क्यों उस गगनदीप को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? क्योंकि अदीरा, उसने अपने निर्दोष होने का प्रमाण दिया है मुझे। तुमने देखा मैंने 3 गोलियां चलाई और हाथ जल गया मेरा, इतना गर्म हो गया ये पिस्तौल। सोचो अगर उसने 6 गोलियां चलाई होती तो उसके हाथों पर जलने का निशान तो होता, लेकिन नहीं था।
क्लियर थे उसके हाथ एकदम. That proves he's innocent. So you mean somebody else? कोई और है जो? Obviously कोई और ही है. लेकिन कौन है ये जानने के लिए घटनास्थल का परीक्षण करना पड़ेगा. सब प्लीज ये काम कल कर सकते हैं. आई मीन जस्ट लुक एट योर हैंड, इट्स बर्निंग. पहले फर्स्ट एड कर लेते हैं. नहीं, फर्स्ट एड करवाने का टाइम नहीं है धीरा. ठीक है, कल अदालत में आखिरी अवसर है गगनदीप को निर्दोष प्रमाणित करने का. मुझे लग रहा है कि किसी ने कमर की ऊंचाई से या उससे भी नीचे से गोली चलाई है. भला कोई झुक कर गोली क्यों चलाएगा? सर, आप लोगों के लिए पानी लाया था. नहीं, मैं पानी तो नहीं पीऊंगा. एक और है काम मेरा, करेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं. क्षमा चाहता हूँ कि इतनी रात गए आप सब लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा. आप उस गगनदीप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसी ने मेरे महाराज को मारा है. मैं आपसे कह रही हूँ ना, ईश्वर से डरिए मीरा जी. केडी सर, मैंने ही फोन करके आपको इस केस को लड़ने के लिए बुलाया था. मैं जानती हूँ युवराज अपने पिता का खून नहीं कर सकते हैं. दरअसल इस हवेली पर एक श्राप है और मुझे लगता है महाराज की जान उसी श्राप ने ली है. श्राप ने मारा या महाराज को गगनदीप ने मारा या किसी और ने, ये तो प्रमाण मिलते ही स्पष्ट हो जाएगा. इस समय मैं आप सबकी हथेली देखना चाहता हूँ. डोंट माइंड, आप करेंगे सर? थैंक यू. आप अगर हथेली नहीं दिखाएंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप कुछ छिपाने का प्रयास कर रही हैं. कोई बात नहीं, छिपा लीजिए, अदालत में दिखवा दूंगा. मैं उस हाथ की. ओह, आपका हाथ तो जला हुआ है, देखिए बिल्कुल मेरी तरह. भगवान का दिया चलाते वक्त या गोली चलाते वक्त? Be in your limit, Mr. केडी पाठक. मेरी माँ पे शक करने का आपको कोई हक नहीं है. 30 साल दिए उन्होंने इस हवेली को. Excuse me, sir. वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं. हथेली प्लीज. थैंक यू. भीम जी, आपने तो दस्ताने पहने हुए अपने हाथ में, कोई विशेष कारण? और क्या है सर की, यहाँ के श्राप की तरह ही यहाँ की ठंड भी खतरनाक है. नहीं तो कोई बात नहीं सर, ये देखिए. क्या बात है, बिल्कुल साफ हाथ है. यहाँ ठंड अगर अच्छी पड़ती है तो अधीरे के लिए कक्ष का बंदोबस्त कर दीजिए, यहीं रुकेगी. इन्हें ठंड बहुत पसंद है. हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ सर. थैंक यू. अधीरा, लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ बताना होगा. एक ऐसी बात जो हवेली के सारे लोग मुझसे छुपा रहे हैं, जो सिर्फ आप जानते हैं.
एक बात तो है पर मैं ठीक ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरे दादा कहा करते थे कि वो रूम है ना, रूम जहाँ पे महाराज का खून हुआ था, वहाँ पे एक गुप्त दरवाजा है। थैंक यू। हाँ धीरू बोलो। हेलो सर, एक लीड मिला है। मुझे पूरा विश्वास है धीरा कि सिर्फ पुरानी फिल्मों में होता था, पेंटिंग विंटिंग हिलाने से दरवाजा खुलता था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। देखें ट्राई करें। सत्य निकले। एक काम करो दीदा, चुबे भीम सिंह, ये बार बार रात को जगाकर हमें यहाँ क्यों बुलाता है? मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, वो वकील साहब है ना, उन्होंने बुलाया है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। भीम सिंह दरवाजा खोलो। हेलो सर। यस सर, लाइक वी डिस्कस्ड, मैंने रूम में धुआं छोड़ दिया है। जिस किसी को भी सीक्रेट पैसेज पता है वो सीक्रेट डोर खोल कर ही आए। योर ऑनर, कल हमने इस केस के संदर्भ में कुछ ऐसे खोज की जो इस केस को नई दिशा दे दे। केडी साहब, किसी भी दिशा में जाने की कोई जरूरत नहीं है, केस बिल्कुल साफ। जब खून हुआ कमरे में सिर्फ दो ही लोग थे, एक ने छह गोलियां चलाई और एक को छह गोलियां लगी। छह गोलियां लगी प्रोसिक्यूटर साहब, और किसी ने छह गोलियां चलाई भी योर ऑनर। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो छह गोलियां चलाई थी वो मेरे मुवक्किल गगनदीप हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कारण ये है योर ऑनर, के नंगे हाथों से उस बंदूक को पकड़कर छह गोलियां चलाना असंभव है। योर ऑनर, कल मैंने प्रयास किया था और तीन गोलियां चलाने के पश्चात ही वो बंदूक इतनी गर्म हो गई कि मेरे हाथ जल गए और मेरे मुवक्किल के हाथों में जले का कोई निशान नहीं है। तो उन्होंने किसी कपड़े से उस बंदूक को पकड़ के चलाया होगा, फिर उस कपड़े को छुपा दिया होगा। रियली प्रोसिक्यूटर साहब, अब इस केस के घटनाक्रम को भूल रहे हैं, मैं स्मरण करा देता हूँ। वह ये कि छठी गोली चलने के पश्चात ही दीपक जी वहां कक्ष का द्वार तोड़कर अंदर घुसे और उन्होंने वहां गगनदीप जी को पाया, कसकर हाथों में बंदूक पकड़े हुए। अब बताइए समय कहां था कि ये कपड़े को छुपाते। चलिए क्षण के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने कपड़े को छुपाया, फिर भी बंदूक तो गर्म थी, और अगर इन्होंने उस गर्म बंदूक को कस के पकड़ा था अपने हाथों में, इनके हाथों पर जले का निशान होना चाहिए था, जो कि योर ऑनर नहीं है, जिसका अर्थ यह होता है कि वो बंदूक मेरे मुवक्किल गगनदीप जी ने नहीं चलाई। प्रोसिक्यूशन गवाही से ज्यादा फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विश्वास करता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, तो संभव है कि इस बार फोरेंसिक रिपोर्ट को देखकर आपको जो दिख रहा है वो ना हो और जो आपको दिख नहीं रहा वो हो। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस हवेली में हमें एक गुप्त द्वार भी मिला, तो संभवतः हत्यारा भी। मीरा जी कृपया, कल रात जो घटना घटी उसके बारे में न्यायाधीश महोदय को बताइए। योर ऑनर, रात को भीम सिंह ने हम सबको स्टडी रूम में लॉक कर दिया और बाहर से धुआं छोड़ दिया था। मैं डर गई, इसलिए मैंने
मुझे लगा कि हवेली का श्राप मेरी जान के पीछे पड़ा। श्राप? आप कब से श्राप में विश्वास करने लगी? आपकी नजर तो हवेली पे थी, तभी आपने महाराज जी की हत्या की, उनके आरोप में युवराज जी को फंसाया ताकि हवेली आपके नाम पे हो जाए, है ना? योर ऑनर, मीरा जी की सिर्फ शादी तय हुई है महाराज के साथ, और शादी तय होने की वजह से महाराज की प्रॉपर्टी पर मीरा जी का कोई हक नहीं बनता। डिफेंस यहाँ पे गलत है, मीरा जी के पास महाराज को मारने का कोई मोटिव था ही नहीं। मोटिव है योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को जानकारी नहीं है इस बात की कि मीरा जी का विवाह हो चुका है मुंबई के कोर्ट में। योर ऑनर, ये रहा प्रोसिक्यूटर साहब इनके विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि मीरा जी में सही क्या। जी हाँ, ये रजिस्टर मैरिज मैंने ही करवाई थी, क्योंकि मुझे महाराज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन पर दबाव डाला और रजिस्टर मैरिज कर ली। योर ऑनर, इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब खून हो रहा था तो मीरा जी दरवाजे के बाहर थी, तो फिर वो कैसे खून कर सकती हैं? योर ऑनर, समझ जाता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, ये केस एक हत्या का नहीं, चार हत्याओं का है, सीरियल किलिंग। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, इस फाइल के अनुसार महाराज जी के साथ साथ उनकी तीन महारानियों की भी हत्या की गई, बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में। योर ऑनर, पहली महारानी सीढ़ियों से गिरकर मरी, दूसरी महारानी विष खाकर, और तीसरी महारानी को योर ऑनर हिरण के सींग से मारा। और इन तीनों हत्याओं को योर ऑनर श्राप का नाम देकर भुला दिया गया। कहना क्या चाहते हो केडी? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि तत्पश्चात महाराज जी की हत्या की, किंतु उस समय युवराज गगनदीप जी का वहां होना तय नहीं था, तो ये संभावना पैदा होती है कि हत्यारा ऐसी ही किसी विचित्र परिस्थिति में महाराज जी को मारना चाह रहा हूँ। योर ऑनर, इन बातों की पुष्टि करने के लिए डिफेंस निवेदन करता है अदालत से कि समय प्रदान किया जाए। योर ऑनर, ये डिफेंस की चाल है कोर्ट को गुमराह करने की। अदालत किसी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती, अगर थोड़ा भी शक है तो पूरी तरह साबित करना होगा। डिफेंस की बात मानते हुए ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ था उस रात अधीरा? महाराज जी यहीं बैठे थे जहां मैं बैठा हूं, और गगनदीप वहां खड़ा था जहां तुम खड़ी हो। गगनदीप के बिल्कुल सामने इस कक्ष का मुख्य द्वार, जो उस समय बंद था, और महाराज जी के सामने गुप्त द्वार। अगर वहां से किसी ने प्रहार किया होता तो महाराज जी ने उसे देख लिया होता और किसी प्रकार का शोर अवश्य मचाते या प्रहारकर्ता का नाम लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, फॉर ऑल यू नो, शायद गगनदीप ने ही मर्डर किया। तो चलो मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि गगनदीप ने मारा महाराज जी को। विचार करने वाली बात यह है कि उसने अपने कमर के नीचे बंदूक पकड़ के क्यों चलाई? सीधा भी मार सकता था। एक मिनट जरा हटना, ईंट देख रही हो तुम बीच की? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी लगाया है। याद करो, कथन में ऐसा लिखा हुआ था कि जब महाराज जी की हत्या हुई तो वहां फायरप्लेस में आग जल रही थी, और अगर आग जल रही थी तो ईंट को काला होना चाहिए, लेकिन ये तो ताजा है बिल्कुल। सर, इट्स स्ट्रेंज, ऐसी सेम ईंट मैंने उस सीक्रेट पैसेज में देखी थी जिससे मीरा ने मुझे अटैक किया था। और सर, जब वो ईंट मीरा के हाथ से गिरी तो बहुत ही भारी आवाज थी उसकी, समथिंग लाइक अ मेटल साउंड। ओ भाई साहब, आइए आइए, बाहर आइए, सामान लेकर वार्तालाप करते। सॉरी सर, वो क्या कर रहे हैं? मैं महाराज नहीं हूँ, खड़े रही, वहाँ खड़े रही। सॉरी सर, वो क्या है कि मैं चोरी कर रहा था। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। क्यों? वो आज ही मुझे पता चला कि मीरा मैडम को इस हवेली का मालकिन बना दिया गया है, और तो और वो हम सबको यहाँ से निकाल के बाहर करने वाली है। बस
इसीलिए मैंने सोचा फिर मौका मिले ना मिले। वैसे पता चला कि आपके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। आपने बता दिया? सॉरी सर, पर आप प्लीज किसी को मत बताइए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर आपने मुझे बता दिया कि इस महल में क्या चल रहा है। मतलब ये शराब की बात, इससे तो ज्यादा आप पुराने हैं, वफादार हैं महल के, तो बताइए ना क्या चक्कर है ये रानियों की हत्या इत्यादि इत्यादि। सर आप भी ये श्राप राप में विश्वास रखते हैं? दरअसल श्राप वगैरह कुछ है ही नहीं। वो जो आदमी कुएं में कूदा था उसे तो महाराज ने निकलवा दिया था, और तो और कुछ पैसे वगैरह देख के दूसरे गांव में भी शिफ्ट करवा दिया। वो आदमी तो अभी भी जिंदा है सर। अगर जिंदा है तो घर के लोग श्राप की इतनी बातें क्यों करते हैं? दरअसल मेरे महाराज थे ही कुछ ऐसे, उन्हें अपने इर्द गिर्द राजशाही रहस्य छुपाने का बड़ा शौक था। अच्छा, अर्थात ये पता लगाना पड़ेगा धीरा कि इस महल में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 26 साल से श्राप के राज को अपने अंदर छिपाया हुआ है। मतलब क्या बात है चित्रा जी, महाराजा हर्षवर्धन अपना जीवन रहस्यमय बनाए रखना चाहते थे, इसी में उनकी रुचि थी, ये तो मैं जानता था। ये नहीं जानता था कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। अब देखिए ना, हवेली में आपने सबको ये बताए रखा था कि 25 वर्षों से आप विधवा हैं, किंतु वास्तव में आप विधवा तब हुई जब महाराजा हर्षवर्धन की हत्या हुई। योर ऑनर, केडी साहब एक धार्मिक और रिस्पेक्टेबल औरत। यू आर राइट, धार्मिक तो है ये। तभी ये देखिए ये चित्र जो महाराजा की हत्या के 3 दिन पूर्व ही लिया गया था, देख रहे हैं आप, इनकी मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। योर ऑनर, धार्मिक तो है ही जी। वो मेरे पति की आज से 25 साल पहले मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। ऐसा कैसे हो सकता है चित्रा जी, आपके पति की मृत्यु कैसे हो सकती है 25 वर्ष पूर्व दुर्घटना में, जबकि 25 वर्ष पूर्व आपका कोई पति था ही नहीं। आश्चर्यजनक बात तो ये है योर ऑनर कि जिस महिला का कभी विवाह ही नहीं हुआ 25 वर्ष का सुपुत्र है इन। ऑर्डर। और केवल इतना ही नहीं, वो महिला जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया वो 25 साल से अपने मांग में सिंदूर भरती आई है। बड़ा क्यों बताइए ना क्यों? मैं बताता हूं कि आप महाराजा हर्षवर्धन की पत्नी। बस केड़ी पाठक, मेरी मां ने कोई खून नहीं किया, खून मैंने किया है। दीपक जी, अच्छा लगा मुझे जिस उत्तेजना से आपने अपराध स्वीकार किया, अच्छा लगा मुझे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपने मेरी माँ पे जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया ना उसकी वजह से उत्तेजित हो गया और गुस्से में मैंने आके ये सब बोल दिया। योर ऑनर, दीपक जी महाराजा हर्षवर्धन के छोटे सुपुत्र। ऑर्डर। योर ऑनर, डिफेंस बेकार में महाराज हर्षवर्धन की फैमिली ट्री बनाने के चक्कर में, आखिर ये क्या हो रहा है? जब गगनदीप मौकाए वारदात में बंदूक के साथ पकड़े गए उस कमरे में, तो केडी साहब इस केस को बार बार उस कमरे से बाहर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर ये हत्या कमरे के अंदर से नहीं, कमरे के बाहर रहकर की गई। और अति महत्वपूर्ण बात यह है योर ऑनर कि जो गोलियां चली वो इस बंदूक से नहीं, इसके कारण चली है। केडी साहब, खून गोली से हुआ है, फॉरेंसिक वालों ने भी बोल दिया। आप ये ईंट कहां से ले आए? मैं जानता हूं प्रोसिक्यूटर साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं अदालत में एक बार फिर एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो? अनुमति है। योर ऑनर, कुछ ही समय में यह प्रमाणित हो जाएगा कि इस ईंट से उस रात को गोली कैसे निकली थी। ये ईंट गर्म होते ही योर ऑनर गोली चलेगी। ये टाइम बर्बाद कर रहे हो आप, ईंट से कोई गोली चलती है क्या? अरे ईंट को हीट दे रहे हैं और गोली चलेगी, क्या बात कर रहे हैं ये? बंद कीजिए इसे। ये बंद नहीं हो सकता, अगर बंद हो गया तो मैं प्रमाणित कैसे करूंगा अदालत में कि इसी से गोली चली थी? मुझे समझ नहीं आ रहा, हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे ईंट गर्म होने से कुछ थोड़ी होता है। क्या हुआ दीपक जी, जिंदा हैं आप? जिंदा होंगे क्योंकि गोली तो चली नहीं।
नहीं, वो मेरी सहायिका या अधीरा, उन्होंने प्लास्टिक का पैकेट। योर ऑनर, दीपक जी भयभीत हो गए, ये डर गए। इसका अर्थ ये होता है कि ये पूरी तरह से जानते थे कि ईंट गर्म होते ही गोलियां मारती हैं। क्यों? इससे पहले कि आप कहें कि आप नहीं जानते थे, योर ऑनर, में अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूं कि वास्तव में ये ईंट ईंट है ही नहीं, ये लोहे का बना हुआ है जिसके अंदर बंदूक की मैकेनिज्म बनाई गई है इनके द्वारा, इन्हीं के कारखाने में। मैं बता देता हूं आपको कि अदीरा ने आपका लैपटॉप टेस्ट करवाया। इनके लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है योर ऑनर कि इन्होंने हत्या के कुछ ही दिन पूर्व खोज किया था कि इस प्रकार का यंत्र कैसे बनाया जाता है। इनके कारखाने में ये यंत्र बना, बहुत चालाकी से इन्होंने ये यंत्र महाराजा के फायरप्लेस में फिट किया। और केवल इतना ही नहीं, वो गन पाउडर जो बड़ी चालाकी से आपने वो छिड़का। सर, दीपक मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर, वो मेरा भाई है और वो मुझे क्यों फंसाने की कोशिश करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता सर। योर ऑनर, युवराज सत्य कह रहे हैं, दीपक जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था युवराज को फंसाने का, किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उस दिन जब ये यंत्र वहां फायरप्लेस में फिट करके निकले, तत्पश्चात हम आज भी ये नहीं भूले कि आप जन्म लेते ही अपनी माँ, हमारी महारानी की जान ले ली थी। बस भी अगर आप मना कर रहे हैं तो जिन व्यक्ति से आपने वो गन पाउडर खरीदा था उन्हें हम अदालत के अंदर बुला के उनका कथन न्यायाधीश महोदय के आगे दर्ज कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? बुलाऊं मैं? नहीं योर ऑनर, केडी पाठक सही कह रहे हैं, मैंने ही महाराज हर्षवर्धन का खून किया है। लेकिन मुझे पुलिस को ऐसा दिखाना था जैसे महाराज पे गोली अपने आप चल गई हो। लोग अपने आप सारा इल्जाम उस शराब पे डाल देते, इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग से पहले उस एंटीक गन से गोलियां बैलिस्टिक जेल में चलाई जिससे गोलियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और उस एंटीक गन का निशान भी उन गोलियों पे आ गया। और फिर उन गोलियों को ध्यान से बैलिस्टिक जेल से निकाल कर मैंने अपने हाथों से बनाए गए उस ईंट के शेप वाले गन में डाल दिया। और जब उस रात को महाराज ने फायर प्लेस में आग जलाई तो आग की वजह से मेरा बनाया हुआ गन फट गया और वो छह की छह गोलियां महाराज के सीने में उतर गई। बचपन से मैं जानता था कि मैं महाराज के नाजायज औलाद हूं, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। मैं बस अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाता था, इसलिए जब महाराज की पहली महारानी की मौत हुई तो उसके बाद महाराज ने मेरी माँ से वादा भी किया था कि वो जल्द से जल्द उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे पैदा होते ही महाराज ने अपना वादा ही तोड़ दिया और किसी और लड़की से शादी करके महल में महारानी बनाकर ले आए। और दूसरी महारानी की मौत के बाद भी उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी नहीं की, और जब तक मैं बालिक हुआ तब तक ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि हवेली की दोनों महारानियों की मौत हवेली पे लगे शराब की वजह से हुई। तब मैंने सोचा कि इसी शराब का फायदा उठाकर अगर मैं तीसरी महारानी को मार दूंगा तो महाराज मेरी माँ से शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं, इस बार भी महाराज ने किसी और के साथ ही शादी कर ली। मैं हर बार महारानी को मारता रहा और हर बार वो किसी और के साथ शादी करते रहे, लेकिन इस बार मैं समझ गया था कि महाराज अब मेरी माँ को ना वो हक देंगे और ना वो अपना नाम देंगे, इसलिए मैंने महाराज को ही मार दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझे फंसाना नहीं चाहता था, मैं तो बस जी। मैं समझ रहा हूँ, अदालत भी समझ रही है कि आपने जो भी किया आपके मन में अपनी माँ की श्रद्धा के लिए किया। काश आप ये समझे होते कि एक माँ के लिए उनकी संतान का सुख और साथ, ये तो बातें बहुत बड़ी होती है। द डिफेंस,
प्रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दीपक को दफा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और युवराज गगनदीप को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। इस बार तो शिमला आया था, केस लड़ने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। अगली बार आऊंगा तो जरा यहाँ के दृश्य दिखा देना। सुना है कि शिमला बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, जरूर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।